करती थी, आज वहां पर 9 फ्लाइट चल रही है, 9 फ्लाइट वहां पर कांगड़ा में चल रही है। हमारा शिमला का एयरपोर्ट लगभग लगभग 4 सालों से बंद पड़ा था, वहां पर हमने अपनी सरकार के दौरान जो है एक नई शुरुआत की, अलायंस की, जो केंद्र सरकार की ओर से जो फ्लाइट हमको यहाँ पर स्वीकृत हुई उसके मुताबिक आज हमको यहाँ हिमाचल प्रदेश की कैपिटल को भी एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से अगर हम बात कहें आगे, अगर हम 4 लेन की अगर बात कहें, मैं हाल ही में 4 लेन के संदर्भ में अधिकारियों के साथ बैठा था। टोटल प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में जो कुछ कंप्लीट हुए, कुछ ऑनगोइंग है, कुछ में जो प्रोसेस जारी है, अगर उनका हम इवेल्युएट करें, कैलकुलेट करें टोटल हिमाचल प्रदेश में कि कितना पैसा 4 लेन में खर्च किया गया और पूरा आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट कंसीव होने के बाद जमीन पर उतर रहे हैं उनको पूरा करने के लिए छोटे से हिमाचल प्रदेश में 41,000 करोड़ रुपए के 4 लेन के प्रोजेक्ट जमीन पर आने वाले हैं। और अभी हाल ही में कीरतपुर मनाली का एक 2 पोर्शन उसके जो है इनॉग्रेशन के लिए तैयार पड़े हैं और आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने विशेष तौर से निवेदन किया कि प्रधानमंत्री जी आए और उनका खास तौर से यहाँ आकर के हमारा इनको डेडिकेट करें। अगर हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिक्र करें, थर्ड फेज का शुरू हो चुका हिमाचल प्रदेश में, कुल मिला करके हमारी रोड की लेंथ टोटल जो है 39,000 किलोमीटर है और उसमें 20,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर कॉन्ट्रीब्यूशन पीएमजीएसवाई का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है। और फेज 3 का जो हमारा चंबा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़कों का निर्माण होगा और उनका रख रखाव, उन सारी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजों की बात करें, अगर आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में शुरू किया तो हिमाचल प्रदेश ने हिमकेयर के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया, स्वास्थ्य की सुविधा हिमाचल प्रदेश में लोगों को मिली। अगर केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू की तो हिमाचल प्रदेश ने हिमकेयर ग्रीन सुविधा योजना के माध्यम से अपना काम आगे बढ़ाया और हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में हमने सफलता हासिल की। इसलिए बहुत सारी बातों का हम जिक्र कर सकते हैं, समय का अभाव है, मैं सिर्फ इतने कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये 9 वर्ष का कार्यकाल बहुत सुनहरी रहा और 10 वर्ष अगला साल पूरा होने के पश्चात निश्चित रूप से जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, ये हम सब की भावना है, सबकी एक इच्छा है और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे बीच में वो सारा विषय रखेंगे। आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।